में डीएपी खाद की किल्लत से लगातार किसान परेशान है। इसको लेकर एसडीएम के द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान अनियमितता मिलने पर कई खाद की दुकानों को सीज किया गया। आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर में आज एसडीएम ने कई दिनों से मिल रही शिकायत पर एसडीएम ने खाद बेचने वाले दुकानदारों की दुकान पर छापेमारी करवाई। जैसे कि एसडीएम खाद बेचने वाली दुकानों पर पहुंची तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मौके पर अधिकारी ने क्रय विक्रय कर देगा तो खाद बेचने में काफी अंतर पाया गया। एसडीएम सदर ने कार्रवाई करते हुए खाद बेचने वाले दुकानदार की दुकान को साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर जेपी खाद भंडार की दुकान पर कार्रवाई दुकान सील हुए दुकानदार पर कार्रवाई के आदेश एसडीएम सदर ने दिया है। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। मैम, ये आज ब्लॉक बरौली क्षेत्र में आपने जो छापेमारी की है, वो किस किस पर आधारित छापा? देखिए, आज ये सूचना मिली है कि ब्लॉक बरौली अहीर में जो जेपी खाद भंडार है, यहाँ पे जितने स्टॉक इनको मिला है और जितने विक्रय किया है, इसमें अंतर है। और लोग आसपास के लोगों ने ये भी सूचना दिया कि जो 1250 जिसमें इनको विक्रय करना है, उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। तो यहाँ आने पर प्राथमिक दृष्टि पे तो कई चीज़ें सही पाई गई, इसके आधार पर हमने ये दुकान सील किया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जान सकता है।